नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 28 सड़कों का होगा अपग्रेडेशन। बिहार के इतने हजार स्कूल कॉलेजों में होगा इंटर का नामांकन। अब बिहार में हेलीकॉप्टर से घूम सकेंगे पर्यटक। बिहार में जिलों को भेजी गई करोड़ों की किताबें गायब। राज्य में 44% बीज को पहुंचाया गया घर घर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 28 सड़कों का होगा अपग्रेडेशन। बिहार की सड़कों को चकाचक बनाने में बिहार की नीतीश सरकार वैसे ही लगी होती है, लेकिन अब बिहार की नीतीश सरकार को केंद्र का साथ मिलने वाला है। बिहार की 28 ऐसी सड़कें हैं जिनको अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार अब आगे आ रही है। इसको लेकर ही केंद्र सरकार ने 196 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके तहत 163.98 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन और 1032.74 मीटर में पुलों का निर्माण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत निर्माण कार्य अगले साल मार्च तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इससे बिहार के कुछ जिलों की सड़कें तो चकाचक होने ही वाली है, जिसमें औरंगाबाद और गया को अधिक फायदा मिलने का अनुमान है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में 28 सड़कों के उन्नयन के लिए ये राशि प्रदान कर दी है। बिहार के इतने हजार स्कूल कॉलेजों में होगा इंटर का नामांकन। बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं की परीक्षा का आयोजन करवाए जाने के बाद अब अन्य बोर्ड भी 10वीं की परीक्षा का आयोजन करवाने की तैयारी में है। इसी बीच बिहार में होने वाले स्कूल कॉलेज में नामांकन को लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। इसको लेकर हाल ही में बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन के लिए कॉलेज की सीटों की सूची जारी कर दी है। सूची के संबंध में बोर्ड ने कॉलेजों के प्रचार से बीते दिन आपत्ति भी ले ली, जिसमें ही बोर्ड ने 5328 स्कूल कॉलेज की सूची जारी की है। इंटर की शिक्षा देने वाले सभी स्कूलों और डिग्री कॉलेजों के प्रचार से आपत्ति मांगी गई है। आपत्ति दर्ज नहीं कराने पर माना जाएगा कि कॉलेज को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप भी अब सूची देखना चाहते हैं तो बोर्ड की वेबसाइट www.ofssbihar.in पर विषय और संकायवार सीटों की सूची जारी कर दी गई है। बिहार के सरकारी राशन दुकानों में इस महीने से मिलेगा ये खास फूड आइटम। बिहार के सभी सरकारी राशन दुकानों में आपको इस महीने से आपका राशन तो मिलेगा ही, जो आप हर महीने उठाते होंगे, लेकिन इसके साथ ही अब आपको इस दुकान पर स्पेशल चावल भी मिलने वाला है। वर्तमान समय में स्वस्थ बिहार के लिए कुपोषण को दूर करना सबसे जरूरी है। खबर के अनुसार कुपोषण खत्म करने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने गरीब परिवारों को राशन की दुकानों के माध्यम से पौष्टिक चावल यानी कि फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति का फैसला पहले ही कर लिया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद अब सरकार ने लोगों के सबसे पसंदीदा भोजन चावल को ही गरीबों को मुहैया करवाने का मन बनाया है। अब सवाल ये है कि अगर दुकानों पर ये चावल नहीं मिला तो ऐसे में क्या? तो हम आपको बता दें कि सरकारी राशन दुकानों पर ये चावल नहीं मिले तो टोल फ्री नंबर 1800-3456-194 और 1967 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब बिहार में हेलीकॉप्टर से घूम सकेंगे पर्यटक। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी बीच अब पर्यटकों को बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमने का भी विकल्प मिलने वाला है। बिहार की नीतीश सरकार ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है, जिसके तहत ही अब बिहार सरकार राजधानी पटना के साथ राजगीर, वाल्मीकि नगर, गया, बोधगया और जमुई के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी में है। करीब 2 साल पहले इस सेवा को शुरू करने की कवायद की गई थी, जिस पर विभाग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यानी कि अब बिहार घूमने वाले आने वाले पर्यटकों को एक बिल्कुल नया ही अनुभव प्राप्त होने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द बिहार आने वाले पर्यटक अपने साथ एक ना भूलने वाली याद को लेकर जाएंगे। जी हां, दरअसल बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने एक ऐसी पहल की है जिस पर अगर जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाए तो पर्यटकों के लिए बिहार आना एक नया अनुभव होगा। शराब कारोबारियों को अकेले संभालेगा स्मार्ट ड्रोन। बिहार में शराब की खोज के लिए लगाए जाने वाले ड्रोन कैमरे भी अब स्मार्ट होने वाले हैं। खबर के अनुसार ये स्मार्ट ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। नए स्मार्ट ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। शराब के संदिग्ध ठिकाने देख कर ड्रोन खुद अलर्ट भेजेगा। मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन स्मार्ट ड्रोन कैमरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद की मदद से विकसित किया जा रहा है।
उम्मीद है कि जल्द ही नए स्मार्ट ड्रोन से शराब की निगरानी की जाएगी। अब तक प्यारा और जंगली इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी के दौरान ली जा रही तस्वीरों और वीडियो की मॉनिटरिंग की जाती थी, लेकिन अब स्मार्ट ड्रोन से इसकी निगरानी होने वाली है। आज से सभी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। बिहार के लगभग सभी जिलों में आज से बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मॉनसून की एंट्री भी अब बिहार में हो गई है। इस साल मॉनसून 15 जून को सीमांचल इलाके के किशनगंज और पूर्णिया से एंट्री कर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से किए गए पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून पूरे बिहार में 20 जून तक फैल जाने की संभावना है। फिलहाल मॉनसून करीब एक सप्ताह से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में ठिठका है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी है। मॉनसून आगे 17 जून तक उत्तर प्रदेश में भी दस्तक देगा। ज्ञात हो बिहार के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से गर्मी की मार पड़ रही है, ऐसे में बिहार वासियों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ने सहायक प्रोफेसर के कुल मिलाकर 104 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए विषय की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, संगीत, दर्शन, शारीरिक शिक्षा, राजनीति विज्ञान, पंजाबी, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 55% अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में पीजी डिग्री और प्रासंगिक विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या समकक्ष या पीएचडी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट lakshmibaicollege.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी जाकर चेक कर सकते हैं। कचरे से बनेगी बायोगैस। बिहार में अब कचरे से बायोगैस बनने वाला है, इसके संकेत खुद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिया है। राजधानी पटना के होटल बोरे में बीते दिन आयोजित कंप्रेस्ड बायोगैस को लेकर एक सेमिनार में उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि बिहार में इसको बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। बिहार में विभिन्न तेल कंपनियां कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार ऐसा ईंधन लाने की कोशिश कर रही है जिससे वातावरण स्वस्थ रहे और लोगों को कम पैसे में ही ईंधन उपलब्ध हो जाए। इसी कड़ी में कंप्रेस्ड बायोगैस एक अच्छा ईंधन है और बिहार में उद्योग विभाग इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू कर चुका है। आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और इंडियन ऑयल कंपनी के कई अधिकारी भी मौजूद हुए थे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सुशील कुमार की। बिहार के एक गरीब परिवार से आने वाले सुशील ने जब 5वें सीजन में कौन बनेगा करोड़पति के 5 करोड़ की बड़ी रकम जीती थी, तब उनकी चर्चा बिहार भर में शुरू हो गई थी। इस रकम को जीतने के बाद वो काफी फेमस हो गए और इस कारण उन्हें रियलिटी शो में भी जगह मिली। KBC में जीते हुए रुपयों को उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सुशील कुमार की बिहार में दुकानें हैं और दिल्ली में उनकी कुछ गाड़ियां चलती है, साथ ही वो लिखते भी हैं। एक प्रोडक्शन हाउस को भी वो कहानी पसंद आई और उस कहानी की स्क्रिप्ट पर वो काम भी कर रहे हैं। बिहार में गांव की सड़कों पर भी लगेंगे सेफ्टी इंडिकेटर। बिहार में आए दिन सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है, इसी को देखते हुए अब सरकार एक नई पहल करने जा रही है। सरकार अब राज्य के गांव की सड़कों पर भी सुरक्षा संकेतक यानी कि सेफ्टी इंडिकेटर लगाने की योजना बना रही है। ग्रामीण कार्य विभाग ने गांव की नई और पुरानी सभी सड़कों पर सेफ्टी इंडिकेटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिस जगह ये नहीं लगाया जाएगा वहां से संबंधित इंजीनियरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने बिहार के 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों पर सुरक्षा संकेतक लगाने का निर्देश दिया है। सबसे खास बात यह है कि बिहार सरकार की ये नई व्यवस्था इसे नई पुरानी सभी सड़कों पर अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है। बिहार में वेटनरी छात्रों को अब 3 गुना मिलेगा इंटर्नशिप भत्ता। बिहार के सभी वेटनरी छात्रों को इंटर्नशिप भत्ता अब 3 गुना बढ़ा हुआ मिलने वाला है। इसको लेकर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मसौदा तैयार कर वित्त विभाग को भेजने का काम कर दिया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही पशु चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न को 5,000 रुपए की जगह हर महीने 15,000 रुपए का भत्ता मिलने लगेगा। PG के विद्यार्थियों का अलाउंस भी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के समान मिले, इस पर अभी विचार किया जा रहा है।
सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही विभागीय अधिकारियों को कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। राहत और खुशी की बात यही है कि विभाग स्तर पर सहमति बन चुकी है। आज से खुल जाएंगे बिहार के सभी सरकारी स्कूल। लंबी गर्मी छुट्टी के बाद आज से बिहार के सभी सरकारी स्कूल खुलने वाले हैं। इस बीच सरकार के निर्देश के बाद भीषण गर्मी को देखते हुए जिला स्तर पर स्कूलों का समय निर्धारित किया जा रहा है। पटना जिले में आने वाले 30 जून तक स्कूल संचालित करने का समय बदलकर 6:30 से 10:45 तक कर दिया गया है। वहीं मध्यावहन भोजन प्राथमिक विद्यालयों में 10:45 तक बच्चों को दिया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद 15 जून से सभी सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय की गर्मियों की छुट्टी देश भर में 17 जून को खत्म हो जाएगी, यानी कि सभी केंद्रीय विद्यालय 18 जून से खोल दिए जाएंगे। इसके लिए सभी स्कूलों के प्राचार्यों को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया है। बिहार में अब नहीं होगा टीईटी का एग्जाम, शिक्षक बनने के लिए करना होगा ये काम। बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार सरकार अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी परीक्षा नहीं लेगी। सरकार ने इस परीक्षा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने खुद इसको लेकर एक लेटर जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हर साल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी का आयोजन किया जाता है। ऐसे में कहा गया है कि राज्य सरकार को अब टीईटी परीक्षा आयोजित कराने की जरूरत ही नहीं है। बता दें कि ये लेटर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सचिव को लिखा है। उसके बाद इस पत्र को रवि प्रकाश ने ट्विटर पर डाला, जिसमें ये साफ साफ कहा जा रहा है कि बिहार सरकार अब टीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाएगी। पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अरेराज में स्थित ये सोमेश्वरनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर सावन में श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य और दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भगृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहाँ पर तीर्थयात्री और भक्तगण पूरे बिहार के साथ नेपाल से भी आते हैं। इस इलाके में अन्य भी कई मंदिर हैं, जिस कारण अरेराज को पूर्वी चंपारण के पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में जिलों को भेजी गई करोड़ों की किताबें गायब। बिहार की नीतीश सरकार वैसे ही शिक्षा के मामले में सवालों के घेरे में होती है। ऐसे में अगर ऐसी खबरें आ जाएं कि बिहार के जिलों में भेजी गई करोड़ों रुपए की किताबें और लीफलेट गायब हो गए हैं, तो फिर से सवाल उठना लाजमी है। ऐसा हुआ भी है। ताजा जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग के 1,48,82,307.50 की पुस्तकें और लीफलेट गायब हो गई है। ये पुस्तक जिलों में देने के लिए रवाना तो हुई, लेकिन पहुंची नहीं। इसकी जानकारी तब हुई जब सरकारी पुस्तक छापने वाले पटना ऑफसेट प्रेस के सीईओ शैलेश कुमार सिंह को फोन आया कि डिलीवर पुस्तकें नहीं पहुंची। जब सीईओ ने डिलीवरी करने वाले ट्रांसपोर्टर को फोन किया तो उसने कोई जानकारी नहीं दी। सीईओ ने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कदमकुआ थाने में सरकारी पुस्तक गबन के प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में सीईओ ने कहा कि ये सभी पुस्तकें 4 जिलों मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा और गया में भेजी जानी थी। राज्य में 44% बीज को पहुंचाया गया घर घर। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बीते दिनों बीज वितरण की समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार की पहल के साथ ही 43.75% बीज की होम डिलीवरी हुई है। 3,01,332 किसानों को 63,154.85 क्विंटल बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाया गया है। 30,560 किसानों को 6,969.29 क्विंटल बीज की होम डिलीवरी दी गई है। आज भर किसानों को घर घर बीज पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम होगा। साथ ही ये भी तय है कि जिन जिलों में बीज वितरण की प्रगति संतोषप्रद नहीं है, वहां दोषी अफसरों पर कार्रवाई जरूर होगी। कृषि मंत्री की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीज वितरण में खगड़िया, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा सबसे आगे है। बिहार में लोकल उत्पादों को अब मिलेगा ग्लोबल बाजार। बिहार का हस्तशिल्प अब दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। ई कॉमर्स के माध्यम से सारी दुनिया बिहार के लिए बाजार बनेगी, यानी कि अब देश विदेश के किसी भी कोने में बैठे लोग बिहार के शिल्पकार और बुनकरों का बनाया हुआ सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
विश्व की दो मुख्य ई शॉपिंग कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ भी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और खादी मॉल का बीते दिन समझौता हुआ। समझौता पत्र पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की उपस्थिति में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक आलोक कुमार और फ्लिपकार्ट के ईस्ट इंडिया निदेशक आकाश मित्रा ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद अब उम्मीद है कि बिहार के लोकल उत्पादों को अब ग्लोबल बाजार मिलने वाला है। पटना मेट्रो में यहां पहले बनेंगे अंडरग्राउंड स्टेशन। पटना में मेट्रो की शुरुआत के दिन बहुत ही जल्द नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पटना मेट्रो के काम में तेजी देखी जा रही है। अब जो खबर निकल करके सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर 2 पर एलिवेटेड के बाद अब अंडरग्राउंड रूट पर भी तेजी से काम शुरू हो चुका है। बता दें कि ये एलिवेटेड रूट मलाही पकड़ी से ISBT पर पहले ही करीब आधे से अधिक पिलर तैयार कर लिए गए हैं। अब इसके अंडरग्राउंड रूट पर कार्य शुरू किया जाएगा। इस रूट में पटना जंक्शन से फ्रेजर रोड, गांधी मैदान, अशोक राजपथ होते हुए राजेंद्र नगर पर भी घेराबंदी कर काम में तेजी लाई गई है। बता दें कि अंडरग्राउंड रूट पर सबसे पहले स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। मोदी सरकार दे रही है 10 लाख रोजगार। बिहार समेत देश भर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। कोरोना काल ने इस समस्या को और ज्यादा ही बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां छिन गई थी, जिसके कारण देश भर में बेरोजगारी का ग्राफ और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच अब बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत ही मोदी सरकार ने अब अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की योजना बनाई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है और निर्देश जारी किया है कि सरकार अब अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए इसकी आधिकारिक जानकारी साझा कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर अब कटाक्ष किया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जदयू ने दिया जवाब। बिहार में जातीय जनगणना के मामले में बिहार सरकार के फैसले के बाद अब जनसंख्या कानून को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच अब इस मामले पर जदयू का बयान सामने आया है, जिसके तहत ही जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जन जागरूकता और शिक्षा के विकास से जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये मॉडल साफ रहा है और सफल रहा है। कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण को सफल नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कई बार प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्रसार के साथ ही बढ़ते जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एसटीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव। बिहार में एसटीईटी अभ्यर्थियों का विरोध काफी लंबे समय से चल रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे और उनके साथ सब्जी बेचकर विरोध जताया। इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 80,000 युवकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस दौरान पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर देश में और राज्य में रोजगार खत्म कर दिया है। जदयू में दिखा आर पार वाला मिजाज। बीते दिन बिहार जदयू में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसके तहत ही जदयू के अंदर इन दिनों उठापटक लगातार देखने को मिल रही है, जिसके तहत ही राज्यसभा से बे टिकट हुए केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के करीबियों पर पार्टी की नजर अब पड़ गई है। इसी के तहत बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव विपिन कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक और भंग सुधार सेनानी के प्रकोष्ठ अध्यक्ष जितेंद्र नीरज को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत 1908 में हुई। IBM की स्थापना 1914 में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1947 में नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की। आज ही के दिन यूरोप के फुटबॉल संगठन UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1954 में हुआ। भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का जन्म 1950 में हुआ। अक्षरा सिंह के साथ भोजपुरी फिल्म में डेब्यू करने जा रहे हैं ये भोजपुरी एक्टर। अक्षरा सिंह के ऑपोजिट प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा के पुत्र और बॉलीवुड सिंगर स्वाति शर्मा के भाई राहुल शर्मा हिंदी फिल्म के बाद अब भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्लिंग। इस मूवी को भोजपुरी निर्देशक रजनीश मिश्रा डायरेक्ट करेंगे। अफ्रीका से लगातार 7 हार के बाद आखिरकार जीता भारत।
टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टी20 मुकाबला 48 रनों से जीत गई है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर ये भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 7वीं हार के बाद जीत है। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 179 रनों की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 57 रनों की पारी बनाई। इसके बाद जवाब में पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 19.1 ओवर में 131 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, ललन मोटिव, कल्याणी चौधरी, गौतम कुमार, उमेश ऋषिदेव, अजीमा फिरदौस, श्रुतिका राजपूत, राजकुमार प्रसाद, कुमार गौरव, ओमकार सिंह, सुमन सौरभ यादव, कुलदीप कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।